अंदर 40 फीट गहरा पानी गाइस। हां अंदर नीचे बहुत गहरा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग न्यू डे। अभी सुबह के बज रहे हैं 5, मतलब अभी बज गए हैं 6, मैं उठा 5 बजे था, 5:10 वगैरह पे। अभी देख रहे एकदम सन्नाटा सा, ऐसे चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। और रात में तो मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, लेकिन अभी तो अच्छा है मौसम। देखो रोड वगैरह गीली दिख रही है मेरे को, मतलब कि बारिश अच्छी खासी हुई थी रात में। एक तो पता नहीं क्या हो रहा है यार, मैं इतना लेट सोया था, 1-2 बजे सोया था ठीक, उसके बाद में मेरे को सुबह सुबह उठ जा रहा हूँ मैं। ऐसा ही वहाँ पर भी हुआ था नैनीताल में, मैं सोया लेट था लेकिन 3 बजे ही उठ गया मैं। फिर 3 बजे से देख रहा हूँ कब 7-8 बजे, क्योंकि मैं सोचा था 7-8 बजे निकल जाऊँगा, हालांकि मैं निकला 9:30 बजे था। बार बार टाइम देख रहा था 3 बजे से उठ के थोड़ी देर बाद सो जाऊँ, फिर टाइम देखूँ तो फिर बज जाए मतलब 4 बज गया, फिर 4:30 हो गया, 4:40 हो गया, 10-10 मिनट वो टाइम देख रहा था। पता नहीं क्या हो रहा, स्लीप साइकिल बेकार हो गया या क्या हो गया ये तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन हाँ मेरे को जुकाम ज़रूर हो गया, थोड़ा थोड़ा जुकाम लग रहा है। और तुमको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है एकदम ठंडा माहौल। ये देखो सुबह एकदम शांति, ये रहा एकदम प्यारा सा व्यू। हम लोग एकदम नीचे वाले पार्ट में, क्योंकि यहीं पे आगे वाटरफॉल है और ये एकदम निचला हिस्सा है जो कि देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। मतलब ऐसा है ना कि हम यहाँ से हम जा सकते हैं कहीं भी, ठीक। ऐसे क्या होता है कि हम लोग एकदम पहाड़ एकदम ऊपर होते हैं तो वहाँ से सिर्फ ऐसा खाई ऐसे दिखती रहती है। और इधर क्या, इधर तो हम जा सकते हैं, उधर बॉन फायर होता है। अब कल तो बहुत बारिश हुई थी इसलिए हमने ऐसा कुछ कराया नहीं बॉन फायर, सोचा तो कराएंगे आज हम लोग कराएंगे अगर रात में बारिश नहीं होगी। बहुत ठंड लग रही है मेरे को। आज हमको जाना है 2-3 जगह घूमने, मैं अभी थोड़ी देर वापस जाऊँगा क्योंकि मेरी आँखें ना जल रही हैं, ऐसे सही नहीं रहेगा ना यार। एक तो आया हूँ, जब से आया हूँ देखो बस में भी नहीं सो पाया था मैं, क्योंकि भाई एक तो बस में स्लीपर लो ना तो मेरे पैर अटते नहीं हैं, इतना भी लंबा नहीं हूँ लेकिन मेरे तब भी पैर अटते नहीं, मेरे को ऐसे डायगोनली सोना पड़ता है। तो सो रहा था उसमें भी मेरे को नींद नहीं आई ढंग की, वहाँ आया वहाँ पर भी बहुत कम सोया था, दिन भर तो सोया नहीं, दिन भर इधर उधर घूमता रहा, तबीयत भी ख़राब थी। अब यहाँ आया, अब देखो पहली रात सोया और सुबह ही सुबह उठ गया 5 बजे। हाँ बहुत ठंडी है, थोड़ी धूप आ जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊँ कहीं, दिन भर आज बारिश ना हो, नहीं तो वाटरफॉल के तो लग जाएंगे गाइस। चलो मैं जाता हूँ अंदर, थोड़ा आराम करता हूँ। है सुबह का ब्रेकफास्ट आ चुका है गाइस, ये रहा सामने का व्यू और ये रहा तुम्हारा व्लॉग अनुराग दुबे। अब मैं खाना खा लेता हूँ, मतलब नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद वाटरफॉल भी जाना जल्दी। भाई जुकाम सा हो गया, सुबह तो बहुत लग रहा था, अभी थोड़ा ठीक है। 2 चाय मंगा लेंगे क्योंकि मतलब मेरे को ज़्यादा पीनी है ना, मेरे को लगता था बाद मंगानी चाहिए थी, लेकिन साथ ही में आगे कोई दिक्कत नहीं। मस्त है, मुँह धुल लिया क्योंकि देखो नहा के जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, वहाँ पर नहाऊँगा ना। अभी देखता हूँ वहाँ पर चेंजिंग का कुछ है या फिर नहीं, वरना फिर वापस से ही आ जाऊँगा, क्योंकि हमारा तो बहुत पास में ही है, 1.5-2 किलोमीटर पड़ेगा, मतलब 1 किलोमीटर ट्रैक और बाकी स्कूटी से, तो हम यहाँ पे भी आके चेंज कर सकते हैं ठीक। मुंह वगैरह धो लिया मैंने, हाँ, और कपड़े क्यों ही चेंज करूँगा, इसी में नहा लूँगा, यहीं गीले कर लूँगा। और अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली वाटरफॉल के लिए, बहुत बार बोल दिया ना वाटरफॉल जा रहे हैं, वाटरफॉल जाएंगे तब जाएंगे ये जाएंगे वो जाएंगे, अब हम फाइनली जा रहे हैं ठीक। तो चलो गेट वेट बंद करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। फाइनली हम आ चुके हैं भैया वाटरफॉल, और यहाँ से वाटरफॉल 950 मीटर है, यहाँ से ऐसे पैदल पैदल जाना है, और आगे एक जिप लाइन भी है, कल भी की थी। ऐसे यहाँ पे जिप लाइन करने कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा कोई व्यू व्यू तो दिखेगा नहीं, तो फालतू के पैसे क्यों ही बर्बाद करूँगा मैं यहाँ से पैदल ही जाऊँगा। पराठे यहाँ तक आ गए गाइस, 2 कप चाय और पराठे। चलो फिर जल्दी से वाटरफॉल पहुँचते हैं और फिर वहाँ पे ना टी शर्ट वी शर्ट उतार के बनियान नहाना चालू करते हैं। व्यू देख लो यहाँ का, ये हम लोग बहुत नीचे हैं तब भी देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। जाते जाते दुख इस बात का हो रहा है कि इस रास्ते वापस चढ़ के आना पड़ेगा, अभी 700 मीटर और बाकी है इतना उतरने के बाद, ऊपर चढ़ने में तो समझ लो गाइस क्या फट जाएगा, बहुत कुछ फट फुट आ जाएगा मेरा। यहाँ का सूखा पानी देख के लग तो नहीं रहा वाटरफॉल में वाटर होगा, वाटरफॉल में कैसे फॉल होगा क्या, और वाटर गायब ऊपर से फॉल हो जाओ गाइस। ये रहा भालूगढ़ वाटरफॉल जो कि एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही बेकार है। ये रस्सी के आगे उधर जाने के लिए आपको लाइफ जैकेट लेके जाना पड़ेगा, देख रहे कितनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे भाई। गाइस लाइफ जैकेट ले लिए, तो मैं जाऊँगा वहाँ तक, और वहाँ जाने के लिए लाइफ जैकेट लगती है,
और भाई पानी बहुत ठंडा पानी है भाई, कसम बहुत ठंडा पानी, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से कंकड़ चुभ रहे, अंदर चला जाऊँगा तो पैर नहीं रखने पड़ेंगे ना, तो सही है। नहाने के बाद मैंने अपना फ़ोन निकाल लिया है। आपकी किससे बोल, और मैं जा रहा हूँ अब पानी वापस। अंदर 40 फीट गहरा पानी गाइस, गाइस मैं आराम से तैर के जा रहा हूँ आगे तक, ऐसे अपना फोन लेकर के, ठीक रिस्क लेकर के। वो पीछे वाटरफॉल है, देखता हूँ कहाँ तक जा पाता हूँ। पानी नीचे आ गया हूँ, अब लेट जाता हूँ आराम से। कहाँ पानी जा रहा गाइस, भाई भाई पीछे जाना, पीछे 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 भाई। अच्छा तुम ही हो, अच्छा आ जाओ। हे गाइस, हम लोग भी मस्ती कर रहे हैं। ये अब गाइस देखो भाई, भैया फोटो वोटो खींचा था, मैं उल्टा लेट गया था और अब मंदिर की तरफ चलता हूँ। बता रहे ना मुझे 40 फीट वो है मानो गहरा, 40 फीट और यहाँ पे एकदम मस्त मजा आ रहा है। लाइट जाके पहले अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। फ़ोन करें इसके, फोन पानी में न गिरता है, बस एक 1,00,000 रुपये जीत जाएंगे। देखो एकदम किनारे आ गया हूँ गाइस, मैं जा रहा हूँ इसके ऊपर वहाँ पे। बहुत खाई है यार यहाँ पे, सोचा ना जाऊँ। मेरा फ़ोन बहुत गंदी तरीके से बिक चुका है और अभी मैं यहाँ पे मज़े ले रहा हूँ। चलो गाइस, चलो गाइस अब वापस आने का समय आ चुका है, अब हम चलते हैं वापस। हाँ पूरे कैमरे में पानी आ गया, सोचा मैं भी वहाँ पे ऊपर चला जाऊँ पानी साफ कर देता हूँ। हाँ तो भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं जा रहा हूँ भाई कूदने, तो जाओ। सामने लोग आ गए ना, किसने कूदू भाई, हटिए जरा। अरे कूद तो जाओ। अरे दिवेश अब आ गया टाइम गाइस वापस जाने का। अरे कौन है मेरे पीछे? ना के आ चुका हूँ भाई, और इस क्लिप पे आराम से मैं धूप सेक रहा हूँ। मैं सोचा पहले यहाँ चेंज करने लेंगे, फ़ायदा नहीं यहाँ चेंज करने का, तो हम होटल पे जाएंगे, होटल पे ही चेंज कर लेंगे। यहाँ क्या ही चेंज करूँगा फालतू में, क्योंकि मतलब बैग में जो लेके आया पन्निया नहीं लेके नहीं आया, मेरा पूरा बैग गीला हो जाएगा, जो मैं चाहता नहीं हूँ मेरा बैग गीला हो। तो हाँ थकान हो गई भाई, काफ़ी थकान हो गई। यहाँ जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब यहाँ पे बिल्कुल भीड़ ही नहीं थी, एकदम सुबह सुबह आ गया था। अब देखो भाई कितनी भीड़ हो गई यहाँ पे, कितनी भीड़। हम बैठे हैं यहाँ पे कि भैया धूप आएगी, धूप सेक लिया जाएगा, और यहाँ धूप तो आ गई धूप, धूप जादू चली गई धूप। ये धूप भी लॉलीपॉप दिखा रही आज, बस थोड़ी देर में यहाँ चले जाएंगे भाई, जूता वूता पहन लेंगे। और प्यास इतनी तेज लग रही है ना, रास्ते में पहले पानी वानी पीऊँगा मस्त, बहुत ठंडी है भाई। देखो प्यास लग रही थी तो पानी ले लिया है, और ये पत्थर वत्थर के बीच में आई लव भालू फॉल, भालूगढ़, यहाँ भालू बहुत आते हैं गाइस, भालू वालू से बच के रहना। ऊपर जो ढाबा है हम जाते जा रहे थे ना, तो भाई ऐसी तारीफ करी थी, ऐसी चाय नहीं पी होगी ये वो, तो मैंने उसके यहाँ चाय मंगाई है, मैगी मंगाई, एक समोसा मंगाया है। और अभी एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये थोड़ा थोड़ा गंद मतलब वहीं पानी जा रहा है, लेकिन बहाव तेज़ नहीं है ना, शायद तब पानी तेज़ आ रहा है, बारिश होगी तो बहुत तेज़ जाए, क्या पता ऐसा हो सकता है। ठीक पराठे खाए थे वो मेरे पचे नहीं है, ठीक गीली टी शर्ट पहना हुआ हूँ, रूम पे जाके सबको चेंज करूँगा, और उसके बाद भी खूब सारी चीज़ें मंगा ली खाने के लिए। मैं अपनी तबीयत खुद ही ख़राब करता हूँ, कोई और नहीं करता है, लेकिन यार खाने के बिना कैसे चलेगी ज़िंदगी यार, ये भी तो बात है ना, ये सोचने वाली बात है काफ़ी। तो चलो फिर पानी हम पी लिए, थोड़ा अब अच्छा लग रहा है, चाय आ जाएगी मेरी, समोसा आ जाएगा, मैगी आ जाएगी, हो जाएगा। वाटरफॉल की मज़ेदार बात बताऊँ भाई, वहाँ मछलियाँ हैं यार, वो पैर में टक 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 टक, और
भाई क्या लग रहा है एकदम खड़े हो किनारे, अब अंदर चले तब तो दिक्कत नहीं है भाई, किनारे जो पैर में घुसी जा रही मछलियाँ सट सट, और कुछ कुछ बड़ी मछलियाँ माँ पैर में घुचुर 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 घुचुर, फिर मसाज हो गई मेरी इसी बहाने खूब बढ़िया वाली, खूब मजा आया। और धूप चली गई ना तो मेरे को बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे, कपड़े चेंज कर लूँ क्या यहीं पे कर लूँ क्या, सबको मेरी तोंद दिख जाएगी इसलिए मैं कपड़े नहीं चेंज करूँगा, इस मेरी तोंद बहुत ज़्यादा यार, मेरी सेहत थोड़ी डाउन हो गई है और मैं कलवा ज़्यादा गया हूँ, हाँ तो देख रहे हो ये तो आईफोन का कमाल है कि मैं गोरा गोरा दिख रहा हूँ। हमारी ये मसाला चाय आ चुकी है भग भी गया क्या ऊपर, और उसने हमारा गलत ऑर्डर ले आया था भाई, मैंने उससे कहा था कि छोले समोसे नहीं सिर्फ समोसा चाहिए चटनी के साथ और मैगी, तो और ऊपर से वो दो चाय लेके आ गया था, एक चाय चाहिए थी और वो छोला डाल के लेके आया समोसा। आजकल के लोग यार कस्टमर का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं यार, बढ़िया लग रही चाय, और जितना ये लेवल लेवल कर रहा है इतनी बढ़िया चाय नहीं है, ऐसी चाय नहीं पियोगी यहाँ, ये वो दुनियादारी फिल्लाना ढिमकाना देखो बना रहा ससुरा। फाइनली हमारी मैगी आ चुकी है, हमारा समोसा आ चुका है भाई, ये अजीब सा मैं सोच रहा कुछ और अलग चीज़ होगी, उन्हें चटनी बोली बहुत बढ़िया है। फाइनली सब कुछ डन हो चुका है और अब हम खाएंगे मस्त। गाइस नाम का समोसा है, हैं स्वाद आ रहा है इसमें पूरी और आलू जैसा, लहसुन लहसुन चटनी है, कुछ मज़ा नहीं आया इतना लेबल लेबल कर रहा। मैगी का स्वाद लगा भैया बहुत ज़बरदस्त है, मैगी मस्त है इसके यहाँ सबको लिया, वैसे चाय भी आप पीते भी तो अब चाय भी मस्त लगने लग गई है, और मैगी सबसे मस्त थी, समोसा दो कौड़ी का, दो कौड़ी का। फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने होटल, और अभी यार जानते क्या करूँ, वापस जा रहा हूँ नहाने, वैसे तो मैं नहाया नहाया लग ही रहा हूँ लेकिन फिर भी नहा लेता हूँ, वहाँ पर यार बहुत लोग नहा रहे थे ना तो नहा लूँगा, और मेरे फ़ोन में काफ़ी पानी जा चुका है तो थोड़ा वाटर वाटर इजेक्ट करके ड्रेस उसको सुखा लूँगा, उसके बाद मैं चार्ज लगाऊंगा फ़ोन और नहा के निकल के फिर मैं जाऊँगा शीतला। वैसे तो मैं सोचा बहुत जल्दी आ जाऊँगा लेकिन वहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था इसलिए मैं बड़ा मस्त इन्जॉय कर रहा था, बहुत मज़ा आया मेरे को वहाँ पर। ठीक है तो चलो नहाने के बाद आपसे मिलता हूँ जल्दी, और आलू के पराठे मेरे पचे नहीं हैं, बस मैगी और समोसे वगैरह भी खा लिए थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि लंच तो स्किप कर देता हूँ, शाम को कुछ खा लूँगा उसके बाद डिनर कर लूँगा, तो अभी बस फिर इजेक्ट कर लेता हूँ वाटर फ़ोन से और चला जाता हूँ। और देखो अभी बहुत धूप हो रही है, देखो दिखाता हूँ, अभी काफ़ी धूप हो रही है ठीक ना, तो जाने में भी थोड़ा दिक्कत होगी, आधे एक घंटा रुक जाऊँगा। वैसे कल क्या हुआ था रात में बारिश हो गई तो भाई बहुत ख़तरनाक मौसम चेंज हो गया था, तो थोड़ा डर भी लग रहा था, बस रोड पर लाइट वाइट रहती नहीं, बड़ा अकेले आ रहा था, कोई किडनैप विडनैप कर ले तो मेरी पूरी जायदाद चली जाएगी उसमें फिर, इसलिए भाई आज देखूँ, आज मैं हुडी वुडी सब लेके जाऊँगा भाई, कल सिर्फ शर्ट पहन के गया तो बहुत ठंड लग रही थी, हाथ वाथ तो एकदम ये सब टाइट हो गए थे मेरे भाई बहुत। चलो फिर फोन को सही करने का काम करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे, ओके बाय बाय। मौसम तो मेरे साथ लपड़ा उपड़ा गया भाई, जब भी बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं मौसम थोड़ा चेंज होने लगता है, देखा एकदम बढ़िया सा सुहाना मौसम हो गया है, गेट बंद कर देता हूँ। तो अब भाई नहावा के आया था तो थोड़ा आँखें आके सब जलने लगे लग रही, तो यहाँ पर मतलब तैयार हो चुका हूँ बस निकलने का वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बारिश ना हो जाए, थोड़ा देख लूँ इधर बाजार रास्ते में फंस जाऊँ, तो 10 मिनट रुकेंगे क्योंकि भाई बारिश होती है सर, बहुत देर नहीं होती 20-25 मिनट की होगी, लेकिन 20-25 मिनट बहुत खतरनाक बारिश होती है, बहुत खतरनाक। और अगर कैसा लग रहा हो फिर ब्लैक ब्लैक, तो चलो भाई पुराना वाला ब्लॉग जो था उसको यहीं पे कर देते हैं ठीक ना, वो वाटरफॉल वाला ब्लॉग हो गया, और इसके बाद हमारा ब्लॉग होने वाला है शिशु का, ठीक तो वो ब्लॉग करेंगे अगले उसमें कंटिन्यू, मतलब दिन तो सेम है लेकिन मैं ब्लॉग डिवाइड कर दूंगा ठीक। तो चलो ये वाला ब्लॉग इसी से एंड करते हैं, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, जितना मर्जी उतना शेयर कर देना, जितना मर्जी उतना प्यार दे देना ठीक है भाई। तो मैं इस मस्त नज़ारे के मजे ले रहा हूँ और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।